कहाँ थे इतनी देर तक? फिर शराब? कर लो मनमा जी, जब तक मैं जिंदा हूं। जयगी जी, गाना लगाओ। ये क्या, अभी अभी खाना मांगे और बैठ के सिगरेट पी रहे हैं। तुम नहीं समझ सकती देवकी, मैं कितना टेंशन में जी रहा हूँ। जब तक यह बूढ़ा जिंदा है, ना कुछ चैन से जिएगा और ना किसी को जीने देगा। बाबूजी के बारे में इस तरह बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ज्यादा प्रवचन हमको मत दो, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। देवकी, देवकी, तुमको क्या हो गया देवकी? मुबारक हो, आप बाप बनने वाले हैं। डॉक्टर साहब, क्या मैं देवकी से मिल सकता हूँ? हाँ जरूर, मगर मिस्टर संदीप, आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, इसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा। देवकी, तुम नहीं जानती आज मैं कितना खुश हूँ। मगर मैं खुश नहीं हूँ। क्यों, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर? मैं चाहती हूँ हमारा आने वाला बच्चा सुंदर दुनिया में कदम रखे, और इसके लिए आपको शराब दारू सब छोड़ के कोई अच्छा सा काम धंधा करना पड़ेगा। कहाँ मर गया था इतनी देर तक? अरे वो अपना हरि प्रसाद है ना? हाँ, उसे क्या हुआ? अरे यार, उसे कुछ नहीं हुआ, उसकी बीवी को बच्चा हुआ है। बच्चा? एक साथ चार चार हो गया क्या? क्या राहुल भाई, शादी के दो माह बाद ही यदि बच्चा हो तो हंगामा होगा ही ना? अरे तुम लोगों को कुछ मालूम है कि नहीं? अब तुम क्या बताने वाले हो? अपना संदीप भी बाप बनने वाला है। क्यों संदीप, पार्टी कब दे रहे हो? ये ले सिगरेट पी, सिगरेट से काम नहीं चलेगा। अरे ये तो ब्लड आ रहा है। अरे कुछ नहीं, गला छिल गया होगा, मुझे भी कई बार खून आया, मैं तो डर ही गया। अरे यार वो देख, अपना हरि प्रसाद आ रहा है। अरे भाई ये तो किस्मत की बात है, पेड़ लगाए कोई, फल खाए कोई। अरे छोड़ इन बातों को, सीधे पॉइंट पे आ, पार्टी कब दे रहे हो? यार सच कहूँ तो जेब बिल्कुल खाली है। कितना चाहिए तुझे, मुझे बता, मैं दे रहा हूँ, बाद में वापस कर देना। वेदा जी, अब आप दादा बनने वाले हैं और मैं बाप, अब तो जमीन मेरे नाम कर दीजिए। वैसे भी आप दो चार दिन के मेहमान हैं। दो चार दिन के मेहमान ही सही, मगर अपने जीते जी तुम हैं, शराब और सिगरेट में अपनी दौड़त उलाने नहीं दूंगा। जीते जी ना सही तो मरने के बाद ही सही। ये आप क्या कर रहे हैं? तुम छोड़ दो देवकी, तुम नहीं जानती इस बुड्ढे के चलते मुझे कितना तकलीफ सहनी पड़ती है। चलिए पहले आप अंदर चलिए।
अपना नहीं, कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचिए। लीजिए दूध पी लीजिए। अरे भगवान, ये क्या हो गया? बाबूजी, मेरे बेटे, ये कैसे हुआ बहू? पता नहीं बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाते हैं डॉक्टर को बुला के, तुरंत आते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। बाबूजी है डॉक्टर को बुलाने के लिए। जल्दी आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, देखिए क्या हो गया मेरे बेटे। किसी तरह जल्दी से ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। मत रहो बेटे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रामनाथ जी, आपने बहुत लेट कर दी। आप कहना क्या चाहते हैं? आई एम सॉरी। क्या मतलब? संदीप अब कैंसर के अंतिम स्टेज से गुजर रहा है और शायद अब जीवन के भी। डॉक्टर, अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो मैं इसे शहर तक ले जाऊंगा। तुम समझते क्या हो? अब त्वचा डिग्रियां लेकर के तुम भगवान बन जाओगे। रामनाथ जी, अब शायद आप शहर तक भी ना जा सके। संदीप मेरे भी भाई के जैसा है, लेकिन सिगरेट और शराब आज इसे मौत के पास ले आई है। मत रो देवकी, मत रो। मैं फिर आ रहा हूँ तुम्हारे कोख से जन्म लेके। तुम उसे अच्छी परवरिश देना। बाबूजी, जिस दिन मैंने पहली बार सिगरेट पिया था उसी दिन अगर आप मुझे दो चप्पल लगा देते तो आज ही। नहीं बेटा, बाजार में बिकने वाली हर नशीली वस्तुओं पर लिखा हुआ रहता है कि ये जानलेवा है, इससे कैंसर होता है। फिर भी ना जाने क्यों लोग मौत को गले लगाते हैं और छोड़ जाते हैं अपने परिवार को रोते बिलखते। मित्रों, इस कहानी को देखकर अगर किसी एक का भी मन परिवर्तित होता है और वो तंबाकू, शराब, सिगरेट, नशा करना छोड़ता है तो मैं समझूंगा मैं सफल हो गया। आप लोग भी मेरे इस मुहिम में साथ दें और इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। धन्यवाद।